हेलो गाइज, मेरा नाम सुमा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की हम बात करने वाले हैं पर Redmi Note 10s के बारे में। जी हाँ, क्योंकि फाइनली अब जाके यहाँ पर Redmi Note 10s के लिए जो MIUI 13 प्लस Android 12 का अपडेट है वो इंडिया बिल्ड यहाँ पर रेडी वगैरह हो चुका है, लेकिन रोल आउट वगैरह नहीं हुआ। वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन वो जो अपडेट आएगा ना इंडिया के अंदर, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, ग्लोबल से हम कंपेयर करें तो जी हाँ, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि पता है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि ग्लोबल बिल्ड रेडी हो चुका है और वो अपडेट रोल आउट भी हो चुका है, उसके सारे फीचर भी मैंने बता दिए थे क्या कुछ फीचर्स में देखने मिलते हैं इंस्टॉल वगैरह करके। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंडिया के बारे में। जी हाँ, तो काफी दिनों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर से शेयर किया जाए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहेगा। और भाई साहब, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। 200 लाइक बता देता हूँ, आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम करंट वर्जन की बात करें Redmi Note 10s के अंदर, तो वो आपको देखने मिलता है 12.5.13.0, और कई यूजर को यहाँ पे 12.5.15.0 का भी अपडेट देखने को मिल चुका होगा, क्योंकि वो अभी अपडेट पायलट टेस्टर के लिए रोल आउट हुआ था और पार्सली रोल आउट भी होना स्टार्ट हो चुका है। और मैक्सिमम मान सकते हो 14 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर वो फुल रोल आउट हो जाएगा, उसी के बाद हमें MIUI 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं 12.5.15 मिल गया उसके बाद डायरेक्ट हमें MIUI 13 मिल जाएगा, कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा देता हूँ जाके इसका प्रूफ, जो कि इसका बिल्ड वगैरह रेडी हो चुका है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। जैसे कि पता है कोई भी बिल्ड वगैरह रेडी होता है तो यहाँ पे पोस्ट करके बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं Redmi Note 10s MIUI 12.4.5 अपडेट, न्यू अपडेट फॉर इंडिया, जिसमें बताया गया, देखते हैं MIUI 12.5.15.0 रोल आउट हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं MIUI 13 रिलीज डेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं Redmi, पहले आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें आपको फोकस करके दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज वगैरह करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 13.0.1.0 SKL Redmi Note 10s का कोड है और IN है, एक इंडिया स्टेबल अपडेट है और Android 12 पे ये बेस होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी ग्लोबल नहीं है, इंडोनेशिया में भी ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, तो इंडोनेशिया में रोल आउट हो जाता है ना, उसके 1 से 2 वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रोल आउट हो जाता है। और यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन किया गया कि मिड जुलाई के अंदर Redmi Note 10s के अंदर MIUI 13 प्लस Android 12 का अपडेट रोल आउट हो जाएगा। जी हाँ, जो कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। और जैसे कि पता है 12.5.15.0 जो फुल रोल आउट होगा उसी के बाद ये रोल आउट करेंगे, ऐसे तो रोल आउट करने वाले नहीं है। तो मैक्सिमम 14 दिन लगा देते हैं, कई बार जल्दी भी कर देते हैं। तो बाकी देखते हैं Xiaomi कब तक करता है वो 12.5.15.0 फुल रोल आउट, उसके बाद हमें मिड जुलाई के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है Redmi Note 10s के अंदर MIUI 13 प्लस Android 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। अपडेट तो लेट आएगा, लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पे आपको नया कंट्रोल सेंटर भी बताया जा रहा है इसके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये वाला कंट्रोल सेंटर ना, ये भी साथ ही में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डिवाइसों में अपडेट आए ना, तो वो नया कंट्रोल सेंटर नहीं देखने को मिला, लेकिन Redmi Note 10s में बता रहा है कि ये अब कंट्रोल सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा न्यू वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अपडेट भी मिलेगा और कंट्रोल सेंटर के साथ ही आएगा, लेट आएगा लेकिन कंट्रोल सेंटर के साथ आएगा, बिना कंट्रोल सेंटर के साथ ऐसा तक ना आए। क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ, इंडोनेशिया के अंदर अभी अपडेट रोल आउट हुआ है ना, उसके अंदर नया कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देखने को मिला है Redmi Note 10s को। ग्लोबल में मैंने अपडेट इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन इंडोनेशिया में रोल आउट हुआ है तो वहाँ पे नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिला है यहाँ पे MIUI 13 के साथ। तो देखते हैं अभी मिड जुलाई के अंदर बताया जा रहा है इसके लिए अपडेट रोल आउट होएगा। आई होप आज वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।